हाई एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आई है एनटीए की तरफ से वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स पूछ रहे थे। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि मैम DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स कब रिलीज होंगी, क्योंकि बहुत दिन से जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है इन्होंने बहुत डिले कर दी है। बहुत दिन से एग्जामिनेशन डेट रिलीज नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स को और स्केड्यूल को एनटीए ने रिलीज कर दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हो एनटीए की हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ऑफिशियल लिंक को भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी हूँ, ताकि आप खुद ही इस पेज को एक्सेस करके आप खुद भी इन्फॉर्मेशन रीड कर सको। तो इसी पेज पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो एनटीए लेटेस्ट @ एनटीए, यानी लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट जो भी न्यूज है एनटीए की तरफ से यहाँ पर आपको शो होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो सेकेंड पॉइंट में है स्केड्यूल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर रीड मोर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपके स्क्रीन पर 5 पेजेस की PDF ओपन हो जाएगी, जिसमें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटीए की, जो कि 21 सितंबर को ही रिलीज हो चुकी है। तो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की इन्होंने अब ऑफिशियल जो डेट है आपकी DUET की इन्होंने अनाउंस कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट क्या होने वाली है आपकी 17 अक्टूबर से लेकर 17, 18, 19, 20 एंड 21 अक्टूबर के दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी अभी से यहाँ पर आपके पास लेस देन अ मंथ ही रिमेनिंग है प्रेपरेशन के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो टेस्ट है यानी एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, यानी ऑनलाइन मोड में ही होगा आपका। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि सब्जेक्ट वाइज स्केड्यूल है, यानी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर डेज पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। इन्होंने एनेक्जर फर्स्ट एनेक्जर में बता रखा है। तो हम नीचे जो आपका स्केड्यूल बता रखा है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का किस डे पे एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब नीचे इन्होंने बता रखा है कि आपके एडमिट कार्ड जो है अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। जब भी रिलीज होंगे, जब भी आएंगे आपके एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये आपको अनाउंस कर देंगे। लेकिन अभी कोई भी एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको बस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट को याद रखकर आपको आपके एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन अभी ऑन रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम नीचे आते हैं। इन्होंने बता रखा है कि आपके जो भी क्वेरीज है, आपके जो भी क्वेश्चन है, तो आपको कुछ क्या क्लैरिफिकेशन करना है, तो आप यहाँ पर एनटीए के जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है इस पर आप कॉल कर सकते हो, या फिर इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो नीचे हम आते हैं एनेक्जर में। फर्स्ट एनेक्जर में आप देख सकते हो, ठीक है, स्लॉट्स बता रखा है इन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। तो याद रखिएगा 3 स्लॉट्स में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, सुबह 8 बजे से 10 बजे, देन उसके बाद 12:30 to 2:30, देन उसके बाद 5 to 7। तो इस तरीके से 3 स्लॉट्स में आपका एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मिक्स इन्होंने दे रखा है, लेकिन आपको MSc जियोलॉजी, ठीक है, MSc MA PhD सारा मिक्स कर रखा है इन्होंने, लेकिन आपको देखना है PhD इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वालों का 8 AM to 10 AM में होगा। देन 12:30 to 2:30 कौन से स्टूडेंट्स का होगा, पॉलिटिकल साइंस वालों का। ठीक है, तो प्रॉपर आपको देखना है PhD इन कॉमर्स। ठीक है, तो MEd MCom सारे एग्जामिनेशन जो है, क्योंकि NTA की जो वेबसाइट होती है, NTA के अंडर जो भी यूनिवर्सिटीज आती है बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा स्केड्यूल टाइट होता है इनका, बहुत ज़्यादा हेवी स्केड्यूल होता है, तो बहुत सारे एट अ टाइम एग्जाम होते हैं। तो आपको पर्टिकुलर देखना है कि आपका पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट देखना है, जैसे यहाँ पर PhD इन पर्शियन है। ठीक है, PhD देखना है आपके सब्जेक्ट के पहले, PhD इन फिजिकल एजुकेशन, तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो अक्टूबर 17 के दिन इस सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन होंगे 3 स्लॉट्स में। ठीक है, नीचे आना है। देन 18 अक्टूबर के दिन उन्होंने बता रखा है जैसे PhD इन हिंदी, PhD इन बॉटनी, उर्दू, पंजाबी। ठीक है, और यहाँ पर देखना है 8 AM to 10 AM। 12:30 to 2:30 में किसका होगा,
जिनका ज्योग्राफी है, जो पीएचडी कर रहे हैं ज्योग्राफी से, जो हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, देन नीचे आना है आपको पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ से आप सारे आपके देख सकते हो सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखना है एमए, एमएड, सारे सारे जो एमए है, एमएड है, सब कुछ एक ही दिन एग्जामिनेशन है, लेकिन आपको प्रॉपर आपका सब्जेक्ट्स देख लेना है यहाँ से। उसी तरीके से नीचे 20 अक्टूबर एंड 21 अक्टूबर आपको देखना है प्रॉपर आपका सब्जेक्ट्स और किस स्लॉट में आपका सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो, और इस नोटिफिकेशन के लिंक को भी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, ताकि आप खुद भी इस जो इन नोटिफिकेशन इन्होंने शेयर कर रखा है, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रखा है, वो आप खुद भी रीड कर सको। नेक्स्ट हम आते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बता रखा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। देन आपका जो ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा आपका एग्जामिनेशन का, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 होंगे, और मार्क्स पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क दिया जाएगा, तो आपका टोटल एग्जामिनेशन कितना होगा, यहाँ पर 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन इनकरेक्ट मार्क करते हो तो -1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है। एंड मीडियम ऑफ पेपर, आपका जो पेपर है ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा, टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस पूछे जाएगा। अब आपको आना है पेज नंबर 44 पर, ठीक है। अब 50 क्वेश्चंस तो आएंगे, तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है, ठीक है, 50% है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मैम रिसर्च मेथोडोलॉजी तो है ही नहीं, लेकिन इस पीडीएफ में प्रॉपर इन्होंने बता रखा है आपके प्रोस्पेक्टस ने, 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने, यानी आपको 50 में से 25 एमसीक्यूज एग्जामिनेशन में करेक्ट मार्क कर कराना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी प्रेपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी वीडियो लेक्चर्स भी है, एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स भी है, देन उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नोट्स मॉक टेस्ट में हमने आपका फुल सिलेबस कवर कर रखा है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उसको हाईलाइट कर रखा है, इंटरव्यू में भी आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को भी मैंने हाईलाइट कर बताया। एंड फाइनली 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ, ठीक है, तो इससे आपका रिविजन होता है। तो यहाँ पर ये जो कोर्स है, इसकी हम 100% आपको गारंटी देते हैं, 100% गारंटी वाला कोर्स है कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी सब कुछ आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, गारंटीड कोर्स है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को परचेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से 25 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, और 25 में से एटलीस्ट 22 to 23 जो एमसीक्यूज है हमारे इसी कंटेंट से पूछा जाएगा, ये यहाँ पर हम आपको 100% गारंटी देते हैं। 100% गारंटी है, पास आपको पास करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपको पासिंग मार्क्स तक प्रिपेयर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, बस आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं, और दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, जैसे कि हमने नोटिफिकेशन देख लिया, ठीक है, आपके जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, नोटिफिकेशन देख लिया, पैटर्न देख लिया एग्जामिनेशन का, रिसर्च मेथोडोलॉजी, 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, तो सारी चीजें देख लिया यहाँ पर, हर एक चीज मैंने आपको हाईलाइट कर बताया है। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट में पास होते हो तो आपको इंटरव्यू भी देना होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया,
पैटर्न आपका किस तरीके से होगा, पैटर्न भी आपको बता दिया। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो 50 मार्क्स का आपका टोटल, यानी 50 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, 2 आवर्स का ड्यूरेशन, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो सारी चीजें डिटेल में मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रखी हूँ। नोटिफिकेशन जो है आपका ये भी आपके साथ शेयर कर रखी हूँ। 17 से लेकर 21 अक्टूबर के टाइम तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार ही बता दूं कि आपके प्रिपरेशंस के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें 100% गारंटी वाला कोर्स है कि हमारी कोर्स से एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पासिंग मार्क्स की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रेपरेशंस।